हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी यहाँ पर कुछ करेले यहाँ पे लगे हुए थे और ये काफ़ी बड़े हो गए थे, तो इन्हें अगर मैं नहीं तोड़ूंगी तो फिर ये पक जाएंगे। तो इस वजह से अभी जितने यहाँ पे बड़े बड़े करेले हैं उन्हें आंसी तोड़ लेती है। और ये देखिए, इतने हो जाते हैं हम लोग के खाने भर तो हो ही जाता है, और बड़े बड़े ही थे तो पांच निकल जाते हैं, पांच यहाँ पे लटके हुए थे तो फिर ये पक जाते, तो इसी वजह से फिर मैंने आंसी से इन्हें तोड़वा लिया है। तो ये देखिए, ये पांच है और ये खाने के लिए हो गए थे। और अभी तो सुबह मैंने नाश्ते में सब्जी बनाया था लेकिन वो बच भी गया है हल्का सा, तो मैंने सोचा कि मैं करेले को भून देती हूँ, करेले भी हो जाएंगे और एक और सब्जी भी बना लूँगी। तो अभी देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दाल मैंने रखा हुआ था बनने के लिए गैस पर, तो वो बन गया है। और अब मैं यहाँ पर कढ़ाई में ये करेले भुनने के लिए रख दूंगी, ये धीरे धीरे आराम से बनते रहेंगे। उसके बाद सब्जी है तो सब्जी मैं कट कर लेती हूँ। और सब्जी है घर में, ऑल की सब्जी है, वो काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने ऑल बनाया भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं अब बना देती हूँ, क्योंकि मैं उतने दिनों से प्रॉपर अच्छे से खाना वगैरह भी नहीं बना रही थी। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे फीवर आ गया था और उसकी वजह से ना ही तो मैं कुछ कर पा रही थी और थोड़ी सी वीकनेस भी मुझे हो गई थी। तो अभी मैं एक दो दिन से अब मैं फिर से अपने रूटीन में आ रही हूँ और पानी के काम लेकिन नहीं कर रही हूँ। मम्मी के जाने के बाद मैं करना स्टार्ट कर दिया था लेकिन फिर मतलब कि होता है ना कि मेरे मन में कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, लेकिन फिर अभी मैं थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ और 10 दिन रेस्ट करने के बाद अभी मुझे ठीक लग रहा है। घर मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, ना ही मैं व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाती थी जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। और ये जो वीडियो है ना, ये मेरे जब मैं ठीक हो गई थी तब का है और अभी मैं काफ़ी ठीक लग रही थी। और पहले तो मेरे शरीर में भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गया था, क्योंकि जब किसी को बुखार होता है ना तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगने लगती है। तो मुझे जितनी पहले कमज़ोरी नहीं लगती थी उतनी फिर बुखार आने के बाद लगने लगी। तो फिर ये देखिए, मैंने करेले की भुजिया बनाने के बाद ये सब्जी, मेरे हस्बैंड आ गए थे तो उन्होंने ये सब्जी कट कर दी। ये ऑल की सब्जी है तो ऑल को मैं नहीं काटती हूँ, और क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मेरे हाथों में थोड़ा सा खुजली होने लगती है इससे, इसी वजह से मैं अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ, वो कट कर देते हैं। और सब्जी कटी हुई मुझे मिल गई, तो ये दोपहर की मैं सब्जी बना रही हूँ। और ऐसा मैं आजकल करने लगी हूँ, जैसे कि अगर दोपहर में बनाती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा सब्जी बना लेती हूँ, और ताकि मुझे शाम को ना बनाना पड़े और शाम को थोड़ा सा रेस्ट भी मैं कर लूँगी और सब्जी बची रहती है तो। और या फिर मेरे हस्बैंड मेरी अभी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको ना कुकिंग उतने अच्छे से नहीं आती है, बाकी तो मेरे हेल्प करते ही हैं अभी, क्योंकि वो नहीं, वही है और अभी वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। और बहुत लोग कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि मतलब कि आप रेस्ट करो, अभी आपको काम नहीं करना चाहिए। तो हाँ, मैं मानती हूँ और मैं अपने तरफ से कोशिश भी करती हूँ कि मैं रेस्ट करूँ, और बस थोड़ा सा काम है वो तो मैं कर लेती हूँ। जब जैसे कि मेरे हस्बैंड घर में रहते हैं तो थोड़ा सा करवा देते हैं हेल्प। और अभी यहाँ पर देखिए, मैं ऑल की सब्जी बना रही हूँ और ये मैंने थोड़ा सा इसको ना फ्राई करके रख लिया है, और फ्राई करने के बाद फिर यहाँ पर मैं सारे प्याज वगैरह मैं भून लूँगी, टमाटर भून लूँगी, मसाले वगैरह सभी भून कर, और ये फिर मसाले वाली ऑल की सब्ज़ी बन जाएगी और ये दोपहर में भी काम आ जाएगी, बचेगी तो फिर रात में भी हम लोग का हो जाएगा। करेले की भुजिया है और अभी मतलब कि जैसे कि होता है ना कि अभी मैं मीठा चीज़ भी नहीं खा रही हूँ,
तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी मुझे हो रही है खाने पीने में, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, तो इसमें परेशान भी मुझे लगती है कि जल्दी से ये समय निकल जाए और जल्दी से मैं प्रॉपर पहले जैसे ठीक हो जाऊं और पहले जैसे मैं काम करने लगूं, पहले जैसे मेरे ब्लॉग आने लगे अच्छे, और फिर मैं अच्छे अच्छे रेसिपी बनाऊं, अच्छे अच्छे खाने का मन भी करता है। तो मैं जब उधर 9 मंथ प्रेगनेंसी मेरी चल रही थी ना, तो उस टाइम भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती थी, तो मैं सोची कि बाद में खाऊंगी। तो फिर इस तरह करके ना मैं सोचती कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और पहले जैसे मैं काम भी करने लगूं और खाने पीने भी जो मेरा मन करे वो भी खा पाऊं। तो ऐसा मैं सोचती हूं अपने मन में, तो खैर वो भी वक्त आ जाएगा समय के साथ। और अभी देखिए खाना वगैरह मैंने खिला दिया है सबको, और मैंने भी खा के, और यहाँ पर देखिए बर्तन मैंने सभी धो दिए हैं, और इसके बाद यहाँ पर बर्तन भी मैंने धोए हैं। और इसमें जैसे कि अगर वो अयान सोया था तो उस टाइम फिर मेरे हस्बैंड ने भी हेल्प करवा दी है कि सब बच्चों को खाना वो दे दिए थे बांट के, और फिर वो लोग खा भी लिए। और उसके बाद इसी तरह मिलजुल कर मैं और मेरे हस्बैंड अभी घर संभाल रहे हैं और घर का काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं किचन को थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, ताकि जितना भी मेरा जैसे इवनिंग का जितना मेरा काम है ना, वो काम बस रोटी बनाने के लिए रहेगा गरम गरम, क्योंकि मैं अभी चावल भी खाती हूँ ना तो बहुत कम खाती हूँ, और एक ही टाइम खाती हूँ सिर्फ दोपहर में, और वो गरम रहना चाहिए तभी, क्योंकि चावल जो है वो ठंडी होती है। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर रोटी ही खाती हूँ, सुबह भी खाती हूँ शाम को भी खाती हूँ, और अगर चावल खाना रहता है मुझे तो फिर वो गर्म ही खाती हूँ। तो इस ऐसे में सर्दी भी नहीं लगेगी मुझे, और फिर अयांश को भी जुकाम सर्दी ठंड से भी वो भी बचेगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर बर्तन मैंने लगा दिए हैं, और ये है ना अभी प्यास मुझे लग गई थी तो अजवाइन पानी मेरा ख़त्म हो गया था, तो अभी देखिए मैंने ये सॉसपैन में पानी लिया है, अब इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालकर मैं इसे उबाल लूँगी, और इसका पानी का कलर थोड़ा सा ब्राउन टाइप का हो जाता है, तो ये अभी मैं पी रही हूँ, और मतलब कि अभी पीना ही चाहिए ये। तो अभी देखिए मैंने किचन का सारा काम कर लिया है, और मतलब कि किचन पूरा मेरा क्लीन हो गया है, और अभी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी सिर्फ वो होता नहीं है बरसात में वो वाला था जिसे हम लोग हेलीकॉप्टर बोलते हैं, छोटे बच्चे हम बोलते थे, वो आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि इसी सीजन में ही आते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े सूखने के लिए दिए थे सुबह, वो अभी मैं उठा लेती हूँ, और इसके बाद मैं भी जा रही हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँगी क्योंकि मैंने सारे काम निपटा दिए हैं। उसके बाद मैं आप सभी के साथ ये नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें निकाल कर बेड में रख रही हूँ, और अभी आप सब सोचोगे कि ये सब क्या है, तो आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा कि इसमें क्या यहाँ है। पर मेरे छोटे बेबी अयांश के लिए इतने सारे गिफ्ट आए हैं, और ये आए थे मेरे पास सभी एक दो दिन हो गए हैं, तो और जिन्होंने ये भेजा है ना वो हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और अभी 1 साल 1.5 साल तो लगभग हो गए होंगे, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं बिल्कुल बहन की जैसे। तो जब भी मैं कभी अपसेट होती हूँ या फिर मुझे ठीक नहीं लगता है तो मैं उनके पास कॉल करती हूँ, या फिर वो मुझे मेरे पास कॉल करती है, जब भी मेरी तबीयत खराब होती है तो भी वो मेरे पास कॉल करती है, और जब मेरी अभी मैं जब प्रेग्नेंट थी उस टाइम भी मेरी तबीयत खराब रहती थी, वो बराबर मेरा हालचाल पूछती थी कि आपकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है, और उन्होंने बहुत खुशी से कहा कि कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना सारा गिफ्ट भेज देगी। तो यहाँ पर कुछ कपड़े हैं और अयास के लिए, तो देखिए ये पहला फर्स्ट कपड़ा है, तो ये है ना ये इस तरह का एक ड्रेस है, देखिए ये बच्चों पर काफी अच्छा लगेगा, और ना ये सेम ड्रेस मैंने भी लिया है अयांश के लिए जो कि आपने पहले देखा होगा, और कलर दूसरा है लेकिन ये भी बहुत अच्छा कलर है येलो कलर का। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये सेकंड ड्रेस भी भेजा है, और ये भी एक अयांश के लिए ड्रेस है जो कि ये बहुत प्यारा है रेड कलर का, तो ये देखिए
ये ब्लेजर टाइप का है, तो ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है, रेड कलर का पैंट है और इसके साथ ही मुझे इस तरह का मिला है, ये तरह का ये ब्लेजर है और अंदर ये छोटू सा शर्ट है और बहुत प्यारा है, देखिए बहुत क्यूट है, मुझे बहुत सुंदर लगा और कलर भी बहुत प्यारा है। और उसके बाद देखिए ये एक है और इसमें भी ना ये देखिए कुछ इस तरह का ड्रेस है और ये बिल्कुल जीरो साइज है, और उन्होंने मुझे फोन पर कहा भी था कि वो दो थोड़े बड़े साइज का है जो है, और ये ना बहुत छोटे छोटे इसमें देखिए ये सॉक्स लगे हुए हैं, हाथों के लिए भी है और इसमें टोपी भी है और बहुत खूबसूरत पजामा ड्रेस पूरा सेट लगा हुआ है। और उसके बाद देखिए एक ये है, ये पिंक कलर का है और ये ना बेबी कंबल है, ये देखिए जो छोटे बच्चों का ब्लैंकेट आता है, तो ये काफी सुंदर है, ये देखिए इस तरह का इसमें टोपी लगा हुआ है और ये पूरा ओपन हो जाता है, इधर व्हाइट कलर है और ये देखिए ये इधर पिंक कलर का है। और ये सारी चीज जिन्होंने दिया है वो मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है, जो कि हम 1-1.5 साल से हमारी फ्रेंडशिप हुई है और हमेशा हम लोग कॉल पे बात भी करते हैं, और उन्होंने कहा कि बहुत खुशी से उन्होंने कहा कि दिल से कि मैं अयान को कुछ देना चाहती हूँ, तो फिर मैंने भी मना नहीं किया। और पहले तो मुझे नहीं पता था कि वो इतनी सारी चीजें भेज देगी, तो और वो भी बहुत ज्यादा खुश है, तो चलिए। और उन्होंने ना कहा भी नहीं था कि मुझे कि आप वीडियो में दिखाना या फिर कुछ ऐसा, तो ये मैं अपनी खुशी जाहिर कर रही हूँ वीडियो के जरिए, और वो दिल की बहुत साफ है। तो देखिए ये अब मैं इसे ओपन करने जा रही हूँ, तो इसे अभी तक मैंने ओपन भी नहीं किया है। आसी वहां से लेके आओ तो कहती हूँ, तो ये देखिए वाव, इसमें देखिए मैंने जो सोचा था ना कि इसमें मैट्रेस टाइप का है, और मैंने पूछ भी लिया था उनसे कॉल पर तो कि बच्चों का गद्दा, वाव देखिए कितना सुंदर है, और ये ना छोटे बच्चों का गद्दा है जिसमें बच्चे को सुलाते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स इसमें कुछ ऐसा है, और ये देखिए ये पूरा ओपन हो गया, तो ये कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे ना बहुत सारे खिलौने लगे हुए हैं, और ओपन करती हूँ। और यहाँ पर मैं फिर से अपनी फ्रेंड को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उनका नाम सारिका है और उनका ना यूट्यूब में चैनल भी है इंडियन यूट्यूबर सारिका के नाम से, तो हमारी फ्रेंडशिप भी ना यूट्यूब के थ्रू ही हुई थी। बहुत अच्छा लगा सारिका मुझे ये, इसे मैंने नहीं देखा था। देखिए छोटू साइज में एक पिल्लो भी है अयान के लिए, और इसमें ना बहुत अच्छा मुझे ये भी लगा ना कि बच्चे अगर इसमें सोएंगे तो इस ये जो मॉस्किटो नेट है ना इसे हम लगा सकते हैं। तो बहुत लोगों को जिज्ञासा होगी कि मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड कौन है, और मेरी तो वैसे ज्यादा फ्रेंड है नहीं यूट्यूब पर, लेकिन 1-1.5 साल पहले ही हम लोग फ्रेंड बने थे और काफी अच्छी हमारी दोस्ती है। तो उनका चैनल नेम है इंडियन यूट्यूबर सारिका। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ, फिर मैं अच्छे से नए वीडियो के साथ, बाय बाय।